सॉलिड स्टेट में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। यार लास्ट क्लास में अपन ने स्पेस लैटिस पढ़ा कि स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, उनके बीच में एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल जो होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सारी की सारी बात अपन पहले कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूब के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्यूब में क्या होता है, कॉर्नर्स कितने होते हैं, एज लेंथ कितना होता है, बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है, कंट्रीब्यूशन कितना होता है। यहां से आपकी जो इमेजिनेशन की जर्नी है वो यहां से स्टार्ट होने वाली है, तो इमेजिनेशन साथ लेकर चले यार, ठीक है। जितना इमेजिन करोगे इस चैप्टर को उतना कम याद रखना पड़ेगा, आपको बस इमेजिन करना है, आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल जाएगा, ठीक है। आज हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने से पहले अपन को कुछ टर्म पढ़ना है, जिसमें पहला जो टर्म है आपके पास वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। की बात आती है यार, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल से समझना है कि एक स्पेसिफिक पार्टिकल के अराउंड कितने नाइबरिंग पार्टिकल हैं, कितने पड़ोसी पार्टिकल्स हैं, कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स हैं, वही क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर एक स्पेसिफिक पार्टिकल के अराउंड चार पार्टिकल हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, अगर छह पार्टिकल हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर छह, अगर आठ पार्टिकल हैं उसके अराउंड तो क्या हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबरिंग पार्टिकल अराउंड अ स्पेसिफिक पार्टिकल इन अ गिवन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कि एक स्पेसिफिक पार्टिकल के अराउंड कितने नाइबरिंग पार्टिकल हैं उन्हें आप क्या बोल रहे हो, उसी को तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग डेंसिटी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग डेंसिटी होती क्या है? आपने ट्रॉली बैग देखा है यार, ठीक है, ट्रॉली बैग देखा है, ठीक है। तो ट्रॉली बैग में जब आप कहीं जाते हो, ठीक है, तो कुछ लोग जो हैं वो ट्रॉली बैग की जो पैकिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, मेरे से नहीं होती है ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अपन ने तो जो भी लिया एकदम भरा, ठीक है, चैन लगाया और अपन निकल गए, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत स्पेसिफिकली, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से वो चीजों को रखते हैं, उनकी सारी चीजें ट्रॉली बैग में आ जाती हैं यार, लेकिन अपन जैसे लोग जो लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो बहुत खराब होती है, ठीक है। तो आज से अपन पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अपना जो ट्रॉली बैग है उसे पूरे से अरेंज करना स्टार्ट करेंगे सही तरीके से, कि कम जगह में हमारे जितने भी सामान हैं वो सारे के सारे आ जाएं भाई, ठीक है। अब यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी ना जो टर्म है आपके पास वो है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग डेंसिटी, क्या होती है उसकी बात करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग डेंसिटी का मतलब यह है कि सपोज कि आपके पास जो बैग है उसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, आपने जो भी चीजें रखी उनका कुछ वॉल्यूम होगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग डेंसिटी क्या होती है कि आपने जैसे आपने कपड़े रखे, आपने जूते रखे, ठीक है, तो आपके जूते आपके कपड़ों ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करा डिवाइडेड बाय जो ट्रॉली बैग था उसका टोटल वॉल्यूम क्या है, वही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। जैसे कि अगर यहां पर समझा जाए क्रिस्टल में समझा जाए तो अपन कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन क्रिस्टल, ठीक है, जो क्रिस्टल में एटम्स थे उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, की जो क्रिस्टल था उसका वॉल्यूम कितना था, उसी तरीके से कि आपके कपड़े आपके जूतों ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया डिवाइडेड बाय जो आपका वेट था उसका वॉल्यूम कितना था, उसकी एफिशिएंसी उसका वॉल्यूम कितना था भाई, ठीक है। तो उसी तरीके से कि एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है क्रिस्टल में डिवाइडेड बाय जो क्रिस्टल है उसका वॉल्यूम कितना है, यही होता है पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज में निकालना है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से आप पैकिंग एफिशिएंसी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब बात आती है कि यहां पर आप अगर ये बात करें कि फॉर्मूला क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का, कोई पूछे कि पैकिंग एफिशिएंसी क्रिस्टल में किस तरह से निकालोगे, बढ़िया बात है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल है, ठीक है, हमारा जो यूनिट सेल है उसमें टोटल कितने एटम है, जेड एटम है, जेड का मतलब है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, मान लेते हैं कितने एटम है भाई, जेड एटम है, ये जेड एटम है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अब
स्पेरिकल अगर एटम मान रहे हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल है अगर क्यूबिक है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v की जगह क्या रख लोगे आप, a³, ये ध्यान रखेंगे। तो z यहां पर क्या है, z यहां पर है नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, मान लिया z है, और वॉल्यूम क्या होगा एक एटम का, एक एटम का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, क्यों, क्योंकि स्फीयर मान रहे हो और स्फीयर का वॉल्यूम तो इतना ही होता है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। अब यहां पर अगर क्यूबिक है तो उसका वॉल्यूम a³ हो जाएगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा अलग अलग क्रिस्टल पर, कि अगर क्यूबिक होगा तो उसका अलग वॉल्यूम होगा, ट्राइगोनल होगा तो अलग वॉल्यूम होगा, तो वो डिपेंड करता है भाई, ये ध्यान रखें। तो जेड याद रखना है नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, वो क्या होता है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन सीखते जाएंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं क्यूब पर, कि क्यूब जो है उसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपन को जो पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं, कि थोड़ी सी अपन इंफॉर्मेशन लेंगे, वैसे आपको आता होगा क्यूब के बारे में, जो मैथमेटिकल सेक्टर वाले लोग हैं ठीक है उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो बायोलॉजिकल वाले हैं उन्हें थोड़ा सा देख लो यार, कि कोई आपसे पूछे कि क्यूब जो है उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, तो कॉर्नर्स की बात करोगे तो एक कॉर्नर ये रहा, ठीक है, दूसरा कॉर्नर ये रहा, तीसरा कॉर्नर ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठवा ये रहा, सातवा ये रहा और आठवा ये रहा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स की कोई बात करे तो कितने हैं भाई, 8 कॉर्नर्स है। टोटल नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितनी है, यहां पर ये एज है एक तो ये है, ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रही है भाई यहां पर मैं बना रहा हूं, ये जो लाइन है आपकी ये जो लाइन है वो एजेस है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी, 12। अब फेसेस की बात करें तो फेसेस कितने हैं भाई, आप अपने यहां पर एक क्यूब बनाए वहां पर इमेजिनेशन करें तो क्यूब का जो फेसेस है वो कितना होगा भाई, ठीक है, तो एक भाई ये रहा, ठीक है। अब यहां पर अगर टोटल गिनोगे तो टोटल फेसेस कितने निकलेंगे आपके पास, 6 फेसेस निकलेंगे। बॉडी सेंटर की बात करोगे तो क्यूब में एक बॉडी सेंटर होता है बिल्कुल बीच में, जैसे सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हो आप, बॉडी सेंटर है पूरी बॉडी का एक सेंटर होगा भाई, ठीक है, तो एक होता है। अब बॉडी डायगोनल कितने बना सकते हो, बॉडी डायगोनल बना सकते हो आप 4, बॉडी डायगोनल कितने बना सकते हो आप, टोटल 4 बॉडी डायगोनल आप यहां पर बना सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। और फेस डायगोनल कितने बना सकते हो, एक फेज में आप सिर्फ 2 फेस डायगोनल बना सकते हो, तो टोटल फेजेस कितने, 6, और 6 अगर फेजेस हैं तो टोटल फेस डायगोनल कितने होंगे, 12, ठीक है। अब लेंथ ऑफ फेस डायगोनल अगर बात करें तो बड़ा निकालना बड़ा आसान है, यहां पर देखो इसका, देखो दूसरे पेन से मैं ले रहा हूं आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये जो एज लेंथ है वो ए है, यहां पर भी एज लेंथ है ए है, यहां पर ये जो है ये फेस डायगोनल होगा, ये क्या होगा, एक फेस डायगोनल होगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसकी जो लेंथ निकलने वाली है वो कितने निकलने वाली है, √2a। तो यहां पर जो लेंथ होगी फेस डायगोनल की वो कितनी होगी, √2a। अब बॉडी डायगोनल की बात करते हैं कि जो बॉडी डायगोनल होगा भाई, ठीक है, उसका लेंथ कितना होगा, तो बड़ा आसान है, ये आपका एक बॉडी डायगोनल होगा, ये आपका एक बॉडी डायगोनल होगा ये वाला, ठीक है, ये आपका एक बॉडी डायगोनल है, तो यहां पर इसकी जो लेंथ है वो क्या है, फेस डायगोनल की √2 है, ये जो एज लेंथ है वो तो a होगा, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वहां से आपका निकलने वाला है कि इसकी जो लेंथ निकलेगी वो कितनी निकलेगी, √3a। तो बॉडी डायगोनल की जो लेंथ है वो है √3a और फेस डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है, √2a। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है भाई, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कौन कितना बना रहा है। अब एक कॉर्नर की बात करते हैं कि एक कॉर्नर जो है वो कितने यूनिट सेल का पार्ट है, ठीक है, तो यहां पर सपोज करना, मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इमेजिनेशन आपकी बहुत काम आएगी, तो इमेजिनेशन करते रहे कि इमेजिनेशन क्या हो रहा है। यहां पर देख रहा कि आपके पास एक यहां पर क्यूब मान लो, यहां पर एक क्यूब मान लो, ठीक है, ये क्यूब मान लो भाई, ये क्यूब मान लो, इसका ये कॉर्नर पकड़ के चलो, इसका ये कॉर्नर पकड़ के चलो, ये वाला, ठीक है। अब यहां पर देखना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि अगर ये वाला आप कॉर्नर मान रहे हो, यहां पर आपका एक क्या रखा हुआ है, क्यूब रखा हुआ है, इसके जस्ट आगे में एक क्यूब रख रहा हूं, इसके जस्ट आगे यहां पर, तो यहां पर अगर मैं क्यूब रखूंगा तो ये भी इस कॉर्नर उस क्यूब का भी पार्ट हो जाएगा। अगर इसके साइड में यहां पर मैंने एक क्यूब रख दिया, ये कॉर्नर उसका भी पार्ट है, अगर मैंने यहां पर इस जगह पर एक और क्यूब रख दिया तो वो इसका भी पार्ट है, तो एक फ्लोर बन गई भाई। यहां पर देखना कि आपका एक रूम जो है उसका जो कॉर्नर होगा वो आपके साइड वाले का भी होगा,
आपके आगे वाले का रूम का भी होगा, और वो जो आगे वाला रूम है उसका जो साइड वाला रूम होगा उसका भी पार्ट होगा। तो एक फ्लोर में ये जो यूनिट सेल है वो एक फ्लोर की बात कर रहा हूं, अभी अभी मैं डबल पे तो गया ही नहीं हूं, नीचे वाली फ्लोर का देख रहा हूं सिर्फ मैं, ग्राउंड फ्लोर। तो यहां पर जो जो कॉर्नर है वो चार का पार्ट हो गया। अब ऐसा ही इमेजिनेशन ऊपर समझो, अब ये वाला जो कॉर्नर है वो ऊपर वाले का फ्लोर भी तो बनेगा, यहां पर ये सामने वाला भी वही होगा, उसके पास वाला भी वही होगा, ये कॉर्नर है उसका साइड वाला भी यही होगा। तो ये जो कॉर्नर है वो एक कॉर्नर आठ क्यूब का, आठ यूनिट सेल का पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा भाई, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 1/8, क्योंकि ये सिर्फ एक का पार्ट नहीं है एक कॉर्नर, ये आठ क्यूब, आठ जो यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल उनका पार्ट बनाएगा। अगर एज का कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें कि एज का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे आप रूम में बैठे हुए तो आपकी जो एज है सामने वाली वो इस रूम का पार्ट है, ठीक है। आपके सामने अगर एक और रूम क्रिएट करा जाए तो उसका भी ये पार्ट बनाएगी, ठीक है। अब ये दो का पार्ट हो गई, अगर आप इनके ऊपर एक 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 रूम और बना देते तो उसका भी तो पार्ट होगी ना यार, अगर उसका पार्ट होगी, साइड वाले का पार्ट नहीं है, इस बात ध्यान रखें, साइड वाले का एज पार्ट नहीं है, आपके रूम, आपके सामने वाला रूम और इसके ऊपर जो दो रूम बनेंगे, जो आप यहां पर इस रूम में बैठे हो उसके ऊपर एक रूम और साइड वाला जो रूम है उसके ऊपर एक और रूम बना दोगे तो जो एज है वो चार रूम का पार्ट बन जाएगा। उसी तरीके से यहां पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा एज का, 1/4 बनाएगा, क्योंकि जो एक एज है वो सिर्फ एक यूनिट सेल का पार्ट नहीं बना रही है, वो कितने सेल का पार्ट बना रही है, वो चार यूनिट सेल का पार्ट बना रही है। तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना निकलेगा, 1/4। अगर हम बात करें फेस की कि फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है भाई, कि एक फेस जो है वो कितने यूनिट सेल का पार्ट है, उसकी बात करते हैं। जैसे कि यहां पे समझना कि आपके सामने वाला जो फेस है, ठीक है, आप जिस रूम में बैठे हो आपके सामने एक फेस फेस होगा भाई, ठीक है, उसे आप फेस की तरह कंसीडर करो, तो आपके इस रूम का वो पार्ट है, ठीक है। आपके जो सामने वाला रूम होगा जस्ट, ठीक है, तो उसका भी ये पार्ट बना रही होगी, ठीक है। इसके अलावा ऊपर वाले का पार्ट नहीं होगी, साइड वाले का पार्ट नहीं होगा फेस, तो यहां पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन निकलेगा फेस का वो कितना निकलने वाला है, 1/2, क्योंकि जो फेस है वो सिर्फ दो यूनिट सेल का पार्ट बना रहा है, एक रूम जिसमें आप बैठे हो और दूसरा आपका सामने वाला रूम, उसका भी ये पार्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये है कॉन्ट्रीब्यूशन। क्यूब के बारे में आपको जानना था कि कॉर्नर कितने हैं, एज कितना है, फेस कितना है, बॉडी सेंटर कितना है, जो बॉडी डायगोनल है उसका लेंथ कितना होगा, ठीक है, और जो आपका फेस डायगोनल होगा उसका लेंथ कितना होगा, कितने फेस डायगोनल होंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ये सारी की सारी बातें आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये क्यूब की बात हुई। तो आज अपन ने क्या क्या सीख लिया है, अपन ने सीख लिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी किस तरह से निकाली जाती है, और क्यूब के बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए हुए हैं अपन को आगे बढ़ने में, वो ये इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि हमारे जो हमारा जो सिलेबस है उसमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है यार, हमारे सिलेबस में ट्राइगोनल नहीं है, ऑर्थोरॉम्बिक नहीं है, ठीक है, हमारे सिलेबस का पार्ट है क्यूबिक। तो क्यूब के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन अपन को आना चाहिए। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे कि जो आपका यूनिट सेल है क्यूबिक, उसमें कितने टाइप के यूनिट सेल वहां पर आप बना सकते हो, उसकी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हो।